भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के पास एनएच 21 के किनारे 2 जनवरी को अपराधियों द्वारा खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर वर्तमान पता घोगा थाना क्षेत्र के फुलकिया निवासी बाले यादव हत्याकांड मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार शामिल है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस्माइलपुर थाना क्षेत्र स्थित उनके घर से की है। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाले हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा, बाले यादव की हत्या पैसे के लेन देन और पुरानी दुश्मनी को लेकर की गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने में घटनास्थल पर 4 अपराधी शामिल थे, जिसमें 2 अपराधी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SP ने कहा कि 2 जनवरी को बाले यादव की हत्या के बाद SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड के उद्भेदन को लेकर कार्य किया जा रहा था। कांड के अनुसंधान के क्रम में अपराधियों की पहचान की गई। SP ने कहा कि घटना में इस्माइलपुर का एक अपराधी गुलशन कुमार भी शामिल था, जिसे पूर्व में सबौर थाना क्षेत्र में लूटपाट कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट संतोष राज। इस्माइलपुर वाले में बोल रहे हैं।